को पूजा जाता, शैल पोत्री माँ कृपा है करती। खुशियों से झोलियाँ है भरती, शैल पोत्री इन्हें क्यों कहा जाता, बड़ी ही इनकी पावन गाथा। आओ भक्तों तुम्हें सुनाए, चरणों में हम ध्यान लगाए। शिला राज है राजा हिमालय, उनके घर में जन्म लिया है। हिमालय पोत्री बन कर आई, शैल पोत्री माँ तब कहलाए। शैल पोत्री के रूप में जब माँ ने जन्म लिया, पिछले जन्म में माता थी राजा दक्ष की कन्या। जय जय शैल पोत्री माँ, जय जय शैल पोत्री माँ, शैल पुत्री माँ, जय जय शैल पुत्री माँ। तब इनका सती नाम हुआ है, भोलेनाथ से ब्याह किया है, महायोगिक दक्ष कराया। सबने वो को जिसमें बुलाया, यज्ञ में आने का पर न्योता, भोलेनाथ को उन्होंने ना दिया। माता सती ने जब ये जाना, माता ने कहा मेरे पिता ने यज्ञ बड़ा किया, हमें भी स्वामी यज्ञ में जाना। भोलेनाथ ने उन्हें समझाया, हमको यज्ञ में नहीं बुलाया, देवी आप ही हमें बताए। भोलेनाथ समझा शैल पुत्री माँ, जय जय शैल पुत्री माँ। भोलेनाथ से माँ कहने लगी, आखिर है वो मेरे पिताश्री, क्या हो जो हमें नहीं बुलाया। पुत्री का इतना अधिकार है, अपने पिता का जो घर बार है, उसको निमंत्रण चाहे ना आए। जो जिद पर अड़ गई, भोले ने भी बात मान ली, जाने की उन्हें आज्ञा दे दी। संग में उनके भेजे नंदी, यज्ञ में माता फिर चली आई, पिता ने पर नजरें न मिलाई, बहनों ने भी आदर किया ना। शैल पुत्री माँ, जय जय शैल पुत्री माँ। क्रोध बड़ा ही माँ को आया, राजा दक्ष को ये बतलाया, भोलेनाथ ही यज्ञ के स्वामी। पूरा कभी होगा नहीं, माता सती ने क्रोध में भर कर हवन कुंड में स्वयं गोद कर फिर अपने है प्राण गवाए। जाना उनके क्रोध का नहीं ठिकाना, धरती अंबर भी थर जाए। वीरभद्र निर्माण किया है, जिसने यज्ञ विध्वंस किया है, यज्ञ में जितने पंडित आए, मार कर सभी भगाए। जलती हुई सती को फिर भोले ने लिया उठा, शैल पुत्री माँ, जय जय शैल।
सहा न जाए, प्रलय कहीं आही ना जाए। ब्रह्मा जी लगे सोचने, विष्णु के पास में आए। विष्णु जी से ब्रह्मा बोले, अत्यंत ही क्रोधित है भोले। विष्णु जी कुछ करो पाए, विष्णु जी ने छोड़ा सुदर्शन। लगे बिखरने सती के फिर अंग, माता के जहां अंग गिरे हैं। क्रोध शांत पर भोलेनाथ का, इतने पर भी नहीं हुआ था। वीरभद्र ने दंड दिया है, काट दिया है। राजा दक्ष ने भोलेनाथ से क्षमा याचना की, शैलपुत्री माँ। जय जय शैलपुत्री माँ। सती वियोग सहा ना जाए, भोलेनाथ कैलाश पे आए। माता सती का अगला जन्म हुआ, राजा ही काले की बनी कन्या। शिला राज है राजा ही माले, जो पुत्री का जन्म हुआ है। खुशियाँ बड़ी महलों में छाई, करी सवारी। लगती है इस रूप में प्यारी, डमरू और त्रिशूल उठाए। रूप ये सबके ही मन भाए, जिसने भी माँ का ध्यान लगाया, सर्वोत्तम फल उसने पाया। माता जो कृपा बरसाते, होते हैं मजबूत इरादे। जिनके सर पे माँ का हाथ है, भक्ति शक्ति की सौगात मिलती है उनको सब खुशियाँ। शैल पुत्री माँ तुम्ही नमन है, करता हंस राज लहन है। फौज सुरेश भी शरण तुम्हारी, ज्योति तिवारी। शैल पुत्री माता करो भक्तों का हम। शैल पुत्री माता की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम शैल पुत्री माता की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरात्रों का त्योहार भक्तों को लगाए पार।
पर्वत राज हिमालय के घर लेके जन्म ये आई। शिला की पुत्री होने से ये शैलपुत्री कहलाई। दाएं हाथ में लिए हुए हैं माँ शिव का त्रिशूल, बाएं भुजा में माता की सजता है कमल का फूल। वृषभ वाहन है माता का बड़ा निराला है, रत्न जड़ित है मुकुट शीश और गले में माला है। शैलपुत्री माता का जो भक्त भी ध्यान लगाए, वैवाहिक जीवन उसका तो खुशियों से भर जाए। पहला रूप ये माँ दुर्गा का सभी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। नवरातों का आता है जब जब पावन त्योहार, पहले नवरात्रे में इन्हें ही पूजता है संसार। शैलपुत्री की पूजा जो मन से करते हैं, अन्न धन के भंडार सदा भक्तों के भरते हैं। होते हैं मजबूत इरादे जिनके नेक विचार, ठोस शिला की तरह ही होता उनका आधार। शिव की प्रिया है माता और शक्ति का है ये रूप, नौ दुर्गा में है पहला माँ शैलपुत्री रूप। किस्मत वाले होते हैं जो इनको ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। जन्म का नाम तो इनका माता सती कहलाया, राजा दक्ष की थी पुत्री भोले संग ब्याह रचाया। एक बार ऋषि मुनियों ने मिलकर के यज्ञ किया, राजा दक्ष को भी ऋषियों ने यज्ञ में बुला लिया। राजा दक्ष का किया सभी ऋषि मुनियों ने सम्मान, लेकिन शिव शंभु ने दिया ना उनकी ओर कोई ध्यान। सोचा दक्षिण मैं तो हूँ शंकर के पिता समान, लेकिन शिव ने मुझे देख कर किया नहीं प्रणाम। राजा दक्ष इस बात को मन से भुला न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रे में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। एक बार फिर राजा दक्ष ने महायज्ञ करवाया, भेज निमंत्रण सभी देवताओं को है बुलवाया। लेकिन राजा दक्ष के मन में शिव के लिए है द्वेष,
सती और सुशंभु को कोई भेजा ना संदेश। माता सती को पता लगा तो शिव से लगी है कहने, महायज्ञ का आयोजन मेरे पिता लग करने। बोले शिव शंभु के हमें वहाँ ना बुलवाया है, राजा दक्ष की ओर से न्योता ना कोई आया है। बिना बुलाए मेहमान हम नहीं बनना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवराते में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। लेकिन सती ने यज्ञ में जाने की ली है ठान, सोचा ना के वहाँ पे जाने पर होगा अपमान। ले आज्ञा वो शिव शंकर की यज्ञ में आई है, खुद उनकी बहनों ने ही फिर हंसी उड़ाई है। लेकिन देख सती को उनकी माँ ने गले लगाया, फिर तो सती ने यज्ञ भूमि को देखना है चाहा। सब देवों के लिए बना था बैठने का स्थान, राजा दक्ष ने शिव शंभु का नहीं रखा पर ध्यान। ना ही अपनी पुत्री से वो नजर मिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवराते में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। सती ना सह पाई शिव शंभु का अपमान, बोली पिता से भुगतना होगा आपको अब परिणाम। सभी देवता आपने तो है यज्ञ में बुलवाए, शिव शंकर को भूल गए क्यों याद नहीं आए। हुआ यज्ञ आरंभ ये लेकिन पूरा ना हो पाए, करो यत्न हे पिता श्री तुम जितने भी चाहे। हवन कुंड में माता सती ने कर लिया आत्मदाह, देख सभी घबराए हैं अब जाने होगा क्या। कौन सी लीला जाने भोलेनाथ दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवराते में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार, नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। जो भोले को वो क्रोध में भर के आए, जलती हुई सती को है हाथों में लिया उठाए। तीसरा नेत्र भी खुल गया वो लगे है तांडो करने, थर थर लगे कांपने सब तो लगे कोप से डरने। ब्रह्मा जी ने की विनती विष्णु जी से है आन, आप निकाले विष्णु जी इसका कोई समाधान।
अपना सुदर्शन विष्णु जी ने दिया है फिर तो छोड़। जलती हुई सती के अंग तो बिखरे चारों ओर, भोले लेकिन शांत अभी भी ना हो पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं पहले नौराते में इसके रूप को ध्याते हैं। हम कथा सुनाते हैं नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। वीरभद्र को भोले ने अपनी शक्ति से बनाया, भद्र काली रूप सती के क्रोध से है ये आया। करने लगे संहार वो दोनों सामने जो आए, शिव का जो अपमान करे वो कैसे बच पाए। वीरभद्र और काली ने है बदला सबसे लिया, राजा दक्ष का शीश काट कर धड़ से अलग किया। ब्रह्मा जी फिर भोले से ये करने लग विनती, माफ करो हे भोले दक्ष ने कर दी है गलती। भोले तो भोले हैं आखिर मान ही जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं पहले नौराते में इसके रूप को ध्याते हैं। हम कथा सुनाते हैं नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। राजा दक्ष को भोले ने फिर दे दिया जीवन दान, भोले के चरणों में फिर तो दक्ष गिरे हैं आन। अश्वमेघ यज्ञ भी तो है फिर पूरा करवाया है, लेकिन अपनी सती को भी भोले ने गवाया है। कहने लगी है सती मैं अगले जन्म में मिल जाऊंगी, पर्वत राज हिमालय की जब पुत्री बन आऊंगी। फिर तो हिमालय की पुत्री माँ बनकर है आई, शैल पुत्री इसी जन्म में है वो कहलाई। इसीलिए तो पहले इनके रूप को ध्याते हैं। पावन कथा सुनाते हैं पहले नौराते में इनके रूप को ध्याते हैं। हम कथा सुनाते हैं नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। नौरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। सब रूप यूं तो भाते हैं भक्तों को, प्रथम दिन जिस रूप की पूजा नौराते में हो, शैल पुत्री उसी रूप को भक्तों कहा जाए। माता अपनी कृपा भी भक्तों पे है बरसाए, हंस राज रेलहन के लिए भी आज घड़ी सुबह आई। शैल पुत्री माँ की महिमा डियस पाल ने गाई, मात शारदे की कृपा हुई मुझ पे बड़ी अपार। महिमा वर्णन कर पाया ये फौज सुरेश कुमार। कथा को सुनने वाले सब उत्तम फल पाते हैं।
पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवराते में माँ के रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरातों का त्योहार भक्तों को लगाए पार। ओम जय शैलपुत्री माता, जय शैलपुत्री माता।
पूजा करने हम आए, श्वेत वस्त्र भी माता, श्वेत वस्त्र भी माता भीति तुम्हें लाए। ओम जय शैल पुत्री माता,
सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आदि शक्ति माँ वैष्णो की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। लक्ष्मी और काली माँ तीनों आई, तीन देवियों ने मिलके कन्या का बनाया रूप। ना देखा और नहीं सुना कभी ऐसा था स्वरूप, हाथ जोड़ बोली कन्या है माता बतलाओ, मुझे बनाने का प्रयोजन क्या है जरा समझाओ। सभी देवता सुनाते हैं, विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं।
शरम तुम जाके उनके घर। फिर कन्या ने तीनों के आदेश कमान किया, राजा रत्ना सागर के घर जाके जन्म लिया। त्रिकुटा और वैष्णवी उस कन्या का नाम पड़ा, अद्भुत कन्या जन्मी, राजा प्रसन्न हुआ है बड़ा। शिकार खेल खेल में राजा ने कई पशु पक्षी दिए मार, शौक में कई निर्दोष प्राणी मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। समझाया अगर अपना दे सकते हो निर्जीवों को प्राण, किस हक से फिर आप हो लेते इन जीवों की जान। बेटी के जो सुने विचार वो हर्षित बड़ा हुआ, वैष्णव धर्म का उस दिन से धरती पे जन्म हुआ। किसी का वध ना करना राजा हुक्म सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ विष्णु रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का, है पावन माँ का धाम यह बनते बिगड़े का। भक्ति के मार्ग पे कन्या का मन आया, करना है मुझको तप माता पिता को समझाया। सुनकर बेटी के वचनों को माता हुई बेचैन, बिना तुम्हारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रैन। घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी, नरभक्षी पशुओं को बेटी डर जाओगी। घबराओ ना माता मुझको दे दो आशीर्वाद, प्रयोजन इस धरती पर आने का मुझे है यार। ना चाहते हुए मात पिता आज्ञा दे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करने लगी प्रभु का ध्यान, अनजल उसने त्याग दिया छोड़े संसार के काम। घोर तपस्या करने लगी वो रटे राम ही राम, राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए। देख के कन्या की भक्ति को मन में हर्षाए, क्या चाहती हो हे कन्या मुझको बतलाओ। बोली अर्धांगिनी रूप में मुझको अपनाओ, इस युग में पत्नी मेरे सीता राम बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ का धाम।
की रूप कलेंगे हम अवतार। फिर तुमको अर्धांगिनी रूप में हम तो अपनाएंगे, इच्छा पूर्ण होंगी कल की रूप में जब आएंगे। त्रिकूट पर्वत पर जाकर तब तक तुम वास करो, भक्तों का उद्धार करो दुष्टों का नाश करो। वहां वैष्णो देवी नाम से तुम जानी जाओगी, सकल सृष्टि में हे कन्या तुम ख्याति पाओगी। राम प्रभु फिर त्रिकुटा को ये वर दे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दर्शन करने भक्त लाखों आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हुआ था जिसका श्रीधर नाम, माता के चरणों में उसकी ऐसी लगी लगन, छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन। गंगा जल से कन्याओं के पैरों को धोता, करवाता भोजन उनको चाहे खुद भूखा सोता। अति निर्धन हो सबका करता था सम्मान, एक ही चिंता थी उसको ना थी कोई संतान। माता के चरणों में नित अरदास लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कुछ पूछन चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महावैष्णो रूप में
कुटिया में भंडारा लगवाओ, जो भी मिलता जाए उसको दे देना न्योता। भोजन करवाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। मन ही मन सोचे श्रीधर ये कैसे हो पाएगा, छोटी सी कुटिया में कैसे सारा गांव आएगा। अति निर्धन थे श्रीधर, चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। I'm not.
था भैरों को बड़ा अभिमान। गर्भ जून की गुफा में माता फिर जाकर गई पैर, खोज निकालूंगा मैं तुमको भैरों रहा था। गुफा के द्वार पे एक साधु ने भैरों को समझाया, लौट जा वापिस भैरों वरना काल तेरा है आया। क्रोध में भर के साधु को दुत्कारा, क्या मुझको तुम नहीं जानते भैरो नाम हमारा। करते काम है पूरा जो जिद पे अड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वैष्णो द्वार पे आते हैं,
जोर से जयकारा माता का लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पाल तो शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम बतलाते हैं पावन माता धाम, यह बनते